हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान बिंदु अकेडमी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं गेट बायोटेक्नोलॉजी, जो कि आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है, और उसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करें, तो इसी बात पे डिस्कशन होगा। तो ये गेट आपके बायोटेक्नोलॉजी का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, लेट अस रीड दैट। इस क्वेश्चन में कहा गया है, अ प्रोटीन विदाउट इट्स प्रोस्थेटिक ग्रुप इज नोन एज। हाँ, तो बेसिकली अगर कोई प्रोटीन है, कोई एंजाइम है या प्रोटीन है, और प्रोटीन के ऊपर अगर कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, सपोज मैंने ये विदाउट प्रोस्थेटिक ग्रुप, हाँ, ये एंजाइम की स्ट्रक्चर अगर बनाई है, तो इसकी एक्टिव साइट ओपन है जिसके ऊपर प्रोस्थेटिक ग्रुप लगा हुआ नहीं है, और अगर नहीं लगा हुआ है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट एपो। हाँ, एपो प्रोटीन और एपो एंजाइम बोलते हैं, ठीक है, एपो प्रोटीन और एपो एंजाइम। ज्यादातर आपके मैक्सिमम एंजाइम जो है वो क्या होते हैं, वो प्रोटीन नेचर के ही होते हैं। तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट वन, दैट इज राइबोजाइम। तो अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप वहां पर नहीं लगा हुआ है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एपो प्रोटीन कहेंगे। अगर एंजाइम के साथ में कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप लगा हुआ है, सच एज मैग्नीशियम आयंस और एनी को एंजाइम और समथिंग लाइक दैट, तब ये आपका ना कंप्लीट एंजाइम हो जाता है, और कंप्लीट एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट होलो एंजाइम, ठीक है। एक और बात यहाँ पे आपको याद रखने वाली है, इसको कंप्लीट एंजाइम भी कहते हैं, दिस इज योर कंप्लीट एंजाइम, और कंप्लीट प्रोटीन, हाँ, होलो प्रोटीन भी इसको कह सकते हैं, आई कैन राइट इट हियर, होलो प्रोटीन। हाँ, कंप्लीट एंजाइम का मतलब यह है कि यह आपका एक्टिव होगा अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप इसके ऊपर अटैच रहे तो, और अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच नहीं है, हाँ, इसको कहेंगे हम लोग इनकम्प्लीट प्रोटीन और एंजाइम, और इनकम्प्लीट प्रोटीन जो है आपका वो क्या होगा, दैट विल बी इनएक्टिव। ये क्या होगा आपका, इनएक्टिव। हाँ, तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है कि अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं लगा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। व्हाट इज कंप्लीट एंजाइम, व्हाट इज इनकम्प्लीट एंजाइम, व्हाट इज एक्टिव, व्हाट इज इनएक्टिव, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द एंजाइम अल्फा अमाइलेज, ये किसका, स्टार्च का डाइजेशन करता, हाइड्रोलिसिस कराता है, हैज ए एफिनिटी कॉन्स्टेंट। एफिनिटी कॉन्स्टेंट मतलब ये KM की वैल्यू दे रखी है, हाँ, इसको आप एफिनिटी कॉन्स्टेंट भी कह सकते हो, इसको आप डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट भी कह सकते हो, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट। हाँ, तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या पूछा गया, KM की वैल्यू दे रखी है, और कहा गया है टू अचीव 1/4, कितनी दे रखी है कॉन्सेंट्रेशन, 0.005 मोलर, टू अचीव 1/4 ऑफ द मैक्सिमम रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे क्या कहा गया है, यहां पे ये कहा गया है कि अगर रेट ऑफ द रिएक्शन आपका 1/4 हो मैक्सिमम वेलोसिटी का, तो आपको V की वैल्यू दे रखी है, V max आपको पता ही है कि ये मैक्सिमम रेट होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या पूछा गया है, द रिक्वायर्ड स्टार्च, स्टार्च क्या है इस एंजाइम का, वो सबस्ट्रेट है। तो बेसिकली आपको ना सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पूछी गई है, और वो भी किसमें पूछी गई है, मिलीमोलर में पूछी गई है, जबकि KM की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, KM इज गिवन 0.005 मोलर। हाँ, इसके अलावा आपको वीमैक्स की वैल्यू दे नहीं रखी है, आपको अज्यूम करना है दैट दिस इज वीमैक्स। इसके अलावा आपको V इज इक्वल टू वीमैक्स बाय 4 दिया हुआ है, इट इज गिवन Vmax बाय 4। तो बेसिकली जो आपका फॉर्मूला लगेगा, माइकलिस मेंटन इक्वेशन वाला लगेगा, V इज इक्वल टू Vmax इनटू S डिवाइडेड बाय KM प्लस S। मैं हमेशा कहता हूं कि जो आपकी यूनिट होगी KM की, वही सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की भी यूनिट होनी चाहिए, यूनिट्स मस्ट बी सेम, ठीक है। जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं उनको ये सब बातें पता होंगी, जो नए बच्चे हैं, जो नई ऑडियंस है, उनको ये जान लेना चाहिए कि अगर आपको ये माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स वाली इक्वेशन अगर यूज करनी है तो आपकी KM और सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट सेम होनी चाहिए, और आपकी
वी और वी मैक्स, हाँ वी एंड वी मैक्स, एंड लिखना चाहिए था मुझे यहां पे, मैंने बराबर लिख दिया है, वी एंड वी मैक्स यूनिट्स मस्ट बी सेम, ठीक है, मस्ट बी सेम। ये दोनों बातें याद, अगर आप लोग याद रखोगे तो बड़ी आसानी होगी। अब मैं यहां पे सिंपल सा कैलकुलेशन कर देता हूं, मुझे ये रिमूव करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या है, यहां पे आपको ये बात ध्यान देनी चाहिए कि जो Km है वो आपको मोलर में दे रखा है और जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन आपको पूछी है वो मिली मोलर में पूछी है। तो अगर हम Km को कन्वर्ट कर लें मिली मोलर में तो हमें सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन भी किस में मिलेगी, मिली मोलर में मिलेगी। तो यहां पे इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं मिली मोलर में, तो ये मिली मोलर में 5 मिली मोलर आएगा। तो Km को मैंने मोलर से किस में कन्वर्ट कर लिया है, मिली मोलर में, ठीक है। चलिए अब मैं इसको रिमूव करता हूं, लेट मी रिमूव दैट एंड वी हैव टू कैलकुलेट। तो V की जगह मैं लिखता हूं V max by 4, इसके बाद V max हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा क्योंकि V max गिवन है नहीं, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालनी है, Km हमने मिली मोलर में कन्वर्ट कर लिया था 5 मिली मोलर, ठीक है, प्लस S, ठीक है। तो यहाँ पे V max से V max कैंसिल आउट हो जाएगा और इस 4 की मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे हो जाएगी, तो 4S विल बी इक्वल टू 5 प्लस S। यहां से अगर निकालेंगे तो यहां पे क्या आएगा, 4s माइनस s विल बी इक्वल टू 5, हाँ तो यहां से क्या आ जाएगा, 3s विल बी इक्वल टू 5 और s विल बी इक्वल टू 5 बाई 3 और ये कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 1.67 मिली मोलर। अगर आपने ये कन्वर्जन नहीं किया होता Km का किसमें, मिली मोलर में, तो जो भी आपका आंसर हो रहा आ रहा होता वो गलत होता, रॉन्ग होता, ठीक है। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन कंपोज्ड ऑफ अल्फा हेलिसेस एंड बीटा स्ट्रैंड्स कैन बी डिटरमाइंड बाय, हाँ क्या कहा गया है क्वेश्चन में, कि टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ अल्फा हेलिसेस एंड बीटा स्ट्रैंड्स कैन बी डिटरमाइंड बाय। तो यहाँ पे सीडी दिया हुआ है, ठीक है, तो सीडी से आपको केवल सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन आपको किससे मिलती है, दैट इज ऑब्टेन्ड बाय फार यूवी, ठीक है, फार यूवी सीडी में लिख रहा हूं और इसकी रेंज होती है 190 नैनोमीटर टू 250 नैनोमीटर, ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिल सकती है, टर्शरी स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन मिलेगी, टर्शरी स्ट्रक्चर नहीं मिलेगी, दोनों में डिफरेंस होता है। अगर आपकी जो टर्शरी स्ट्रक्चर है उसमें कौन सा मॉलिक्यूल कहां है, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स कहां है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स का एनवायरमेंट कैसा है, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन चाहिए ये आपको सीडी से मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन आपको एग्जैक्टली टर्शरी स्ट्रक्चर नहीं मिलेगी, जस्ट रिमेंबर दैट। तो टर्शरी स्ट्रक्चर की सीडी से जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो मिलती है आपकी नियर यूवी से, ठीक है, और नियर यूवी का जो स्पेक्ट्रा है वो होता है आपका 250 to 300 नैनोमीटर। हाँ मैंने यहां पे इंफॉर्मेशन लिखा है, टर्शरी स्ट्रक्चर नहीं लिखी है, ओके, तो दोनों का डिफरेंशिएशन आपको समझ में आना चाहिए। इसके अलावा मास स्पेक्ट्रा से भी आपको ना टर्शरी स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, इससे केवल आपको शेप, मतलब शेप अगर चेंज होती है किसी भी प्रोटीन की तो उसके उसकी जो पीक्स आती हैं वो वेरी करती हैं अकॉर्डिंग टू द कंफर्मेशन ऑफ दैट प्रोटीन। तो जो भी आपको एम बाई जेड वैल्यूज मिलेंगी मास स्पेक्ट्रा से वो अलग अलग कंफर्मेशन में अलग अलग हो सकती हैं, तो आपको कंफर्मेशनल चेंज का पता लग सकता है मास स्पेक्ट्रा से, बट आपको एग्जैक्टली टर्शियरी स्ट्रक्चर नहीं मिलेगी। इसके बाद यहां पे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी लिखा हुआ है, तो इससे आप कंफर्मेशनल चेंज देख सकते हो क्योंकि आपको पता होना चाहिए, बेसिकली हम यहां पे जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं वो प्रोटीन्स की 280 नैनोमीटर पे करते हैं क्योंकि जो आपके एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं,
280 नैनोमीटर की लाइट को सबसे ज्यादा। अब एक बचता है टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अगर किसी भी प्रोटीन की टर्शरी या क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर आपको निकालनी है या 3D स्ट्रक्चर आपको निकालनी है तो दो सबसे बेस्ट मेथड्स हैं, एक है आपका एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, उसके अलावा दूसरा है एनएमआर। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि जो छोटे प्रोटीन्स या पेप्टाइड्स होते हैं केवल उनके स्ट्रक्चर आप किससे निकाल सकते हो, एनएमआर से। अगर कोई बड़ा प्रोटीन है, बहुत बड़ा प्रोटीन है, 100 केडी का, 200 केडी का, 500 केडी का, तो ऐसे प्रोटीन के स्ट्रक्चर निकालने के लिए केवल आपको किस मेथड का यूज करना पड़ेगा, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का यूज करना पड़ेगा। दूसरी चीज कि जो एनएमआर की जाती है वो सॉल्यूशन में की जाती है। हाँ, सॉल्यूशन का मतलब होता है कि सॉल्यूशन के अंदर आपका प्रोटीन सोल्युबलाइज्ड स्टेट में है, और अगर प्रोटीन आपका सोल्यूबल होगा तो वो सॉल्यूशन में अगर रहेगा तो उसके अंदर डायनेमिकल मूवमेंट्स होती रहती हैं। तो अगर प्रोटीन की डायनेमिक्स स्टडी करनी है आपको, कोई छोटा प्रोटीन है उसकी स्ट्रक्चर निकालनी है, देन यू कैन यूज एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है वहां पे आपको क्रिस्टल बनाना पड़ता है और प्रोटीन का क्रिस्टल बना के उसको डिफ्रैक्ट कराया जाता है एक्सरेज के साथ में। डिफ्रैक्शन के बाद में जो आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप मिलता है उससे हम प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर निकालते हैं, ठीक है। तो सही आंसर होना चाहिए एनएमआर। अगर एनएमआर की जगह पे यहां पे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी भी होता तब भी ये सही आंसर होता। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आप कह रहे हैं यहां पे, अ डीएनए सॉल्यूशन ऑफ 50 माइक्रोग्राम पर ml, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन गिव्स एन एब्जॉर्बेंस ऑफ 1। मैंने आपको बताया होगा क्लासेस में, मैंने गलत लिख दिया है, ठीक है, सो लेट मी चेंज इट। तो a इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू सी इंटू एल, ठीक है, एप्सिलॉन है मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट, सी है कॉन्सेंट्रेशन, एल है पाथ लेंथ, ठीक है। अगर आपको कहीं पे पाथ लेंथ नहीं दे रखी है तो आप अज्यूम कर लो दैट इट इज 1 सेंटीमीटर। ए इज फॉर एब्जॉर्बेंस, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एब्जॉर्बेंस दी हुई है, ठीक है, और 50 माइक्रोग्राम कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है। तो एब्जॉर्बेंस अगर 1 है, ठीक है, तो एप्सिलॉन अगर आपको निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है 50 माइक्रोग्राम पर ml इंटू एल। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, यू कैन कैलकुलेट एप्सिलॉन, एप्सिलॉन आपका कितना आ जाएगा, 1/50 आ जाएगा, 1/50, क्योंकि आपको l को मान के चलना है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू 1/50 माइक्रोग्राम पर ml। हाँ, इसको आप अगर लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 0.02 ml पर माइक्रोग्राम। हाँ, तो अब बेसिकली आपको क्या दिया हुआ है, पहले इसका डाइल्यूशन किया गया है। डाइल्यूशन कैसे किया गया है, आपने 20 माइक्रोलीटर किसी प्लाज्मिड का लिया और उसका जो फाइनल वॉल्यूम है आपने कितना बना दिया, 1000 माइक्रोलीटर, ठीक है, कितना बना दिया, 1000 माइक्रोलीटर। हाँ, अब सोचो कि अगर मैं डिवाइड कर दूं, यहां से मुझे डाइल्यूशन निकालना हो कि कितना डाइल्यूशन हुआ है, कितना डाइल्यूशन फैक्टर है, कितने टाइम्स डाइल्यूशन हुआ है, तो जो फाइनल वॉल्यूम है वो 1000 है, इनिशियल वॉल्यूम 20 है, तो यहाँ पे जो डाइल्यूशन हुआ है वो हुआ है आपका 50 टाइम्स, ठीक है। तो 50 टाइम्स डाइल्यूशन करने के बाद जो एब्जॉर्बेंस आपको मिली है, एब्जॉर्बेंस इज गिवन 0.550 एट 260 नैनोमीटर। उसके बाद पूछा गया है कि कॉन्सेंट्रेशन जो है प्यूरिफाइड प्लाज्मिड की, ठीक है, मतलब डाइल्यूशन के पहले ओरिजिनल जो प्लाज्मिड था जिसको आपने डाइल्यूट करके दोबारा एब्जॉर्बेंस ली है, तो उसके बाद जो है मतलब कितनी कॉन्सेंट्रेशन आई है उसको आपको पहले निकालना है, फिर निकाल के जो है जितने टाइम्स डाइल्यूशन हुआ है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपने 50 गुना उसका डाइल्यूशन कर दिया है। तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन आपको मिलेगी वो 50 टाइम्स लेस मिलेगी। तो जो एक्चुअल प्लाज्मिड आपने आइसोलेट किया था उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0.550 विल बी इक्वल टू, अब मुझे एप्सिलॉन की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, 0.02 इंटू सी हमें निकालना है, पाथ लेंथ हमें 1 सेंटीमीटर ही रखनी है, तो यहाँ से जो सी की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 0.550
डिवाइडेड बाय 0.02। तो इससे दो पॉइंट्स हटा देते हैं तो यहां पे आ जाएगा 55 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 27.5। हाँ, और ये क्या आएगा, इट विल बी माइक्रोग्राम पर एमएल आएगा, क्योंकि यहां पे हमारी यूनिट क्या थी, एमएल पर माइक्रोग्राम, जो हमें कॉन्सेंट्रेशन गिवन थी वो माइक्रोग्राम पर एमएल थी। तो हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूटेड वाले की आई है वो कितनी आई है, 27.5 माइक्रोग्राम पर एमएल, और एक एमएल में होते हैं आपके 1000 माइक्रोलीटर्स। सो लेट मी मूव अहेड, हमारे पास जो है जो डाइल्यूटेड जो प्लाज्मिड था उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन आ गई थी वो कितनी थी, 27.5 माइक्रोग्राम पर एमएल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 1000, चलो पहले इसको फाइनल डाइल्यूशन हम लोग करते हैं, मतलब डाइल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन थी दैट वॉज 27.5 माइक्रोग्राम पर एमएल, तो डाइल्यूशन के पहले कितना होगा, हाँ इनिशियल मैं लिख देता हूँ सी इनिशियल, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मिड की कितनी हो जाएगी, 27.5 इंटू 50 टाइम्स हमने डाइल्यूशन किया था, तो यहाँ से हो जाएगा 275 इंटू 5, तो यहाँ से आएगा 5 25 25 2 35 2 37 3 5 2 10 3 13, ये इतने माइक्रोग्राम पर एमएल आएगा। हाँ, इसका मतलब ये है कि 1375 माइक्रोग्राम वाज प्रेजेंट इन 1 ml, और 1 ml कितने माइक्रोलीटर के बराबर होता है, 1000। तो इसका मतलब ये है कि 1000 माइक्रोलीटर के अंदर कितने माइक्रोग्राम हैं, 1375 माइक्रोग्राम्स। हाँ, तो 1 माइक्रोलीटर में कितने माइक्रोग्राम्स होंगे, तो 1375 डिवाइडेड बाय 1000, देन द आंसर विल बी 1.375 माइक्रोग्राम पर माइक्रोलीटर, सो दैट विल बी योर आंसर। हाँ, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में जो आपको पूछा गया है दैट इज आस्क्ड इन माइक्रोग्राम पर माइक्रोलीटर, एक माइक्रोलीटर में कितने माइक्रोग्राम होगा प्लाज्मिड का ओरिजिनल वाले सॉल्यूशन में। चलिए, वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका क्रोमेटोग्राफी का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है टू मोनोमेरिक हिस्टिडीन टैग्ड प्रोटीन्स ऑफ आइडेंटिकल मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट आपका क्या है वो सेम है, आर प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन एंड ईच ऑफ दीज टू प्रोटीन्स, बेसिकली यहाँ पे पीआई वैल्यू गिवन है, ठीक है, ठीक से यहाँ पे पीआई ऑफ These two proteins are 5.6 and 6.8, ठीक है, Which one of the following techniques can be used to separate them? तो देखो जो denaturing polyacrylamide gel electrophoresis है basically वो MYZ, sorry not MYZ, molecular weight के basis पे जो है separate करता है, separation on the basis of molecular weight, ठीक है, ये मॉलिकुलर वेट के बेसिस पे सेपरेट करता है प्रोटीन्स को। अगर मैं बात करूं साइज एक्सक्लूजन या जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी की, वो भी किसके बेसिस पे सेपरेट करता है प्रोटीन्स को, मॉलिकुलर वेट के। निकल एफिनिटी कॉलम, ये क्या है आपका एफिनिटी, एफिनिटी के बेसिस पे, निकल के साथ में किसकी एफिनिटी होती है, हिस्टिडीन टैग की होती है, तो जो प्रोटीन्स आपके होंगे जिनके ऊपर हिस्टिडीन टैग लगा हुआ होगा तो वो प्रोटीन्स आपके कॉलम पे बाइंड करेंगे, बाकी के प्रोटीन्स बाइंड नहीं करेंगे, तो सेपरेशन हो जाएगा हिस्टिडीन टैग्ड प्रोटीन्स का। बेसिकली जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है दैट सेपरेट द प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, और किसी भी प्रोटीन पे जो चार्ज की कैलकुलेशन होती है वो किसके बेसिस पे होती है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पीआई वैल्यूज, ठीक है, तो पीआई या फिर चार्ज के बेसिस पे जो सेपरेशन होता है वो कहां पे होता है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, सो थैंक यू ऑल।